गोली मारना है नीतीश को, मारो, गोली चलाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार की जनता के लिए गोली भी खाएंगे। आतंकवादी कैसा व्यवहार किए हैं, किसी हालत में भी ये नहीं होगा, गोली चलाए, आंसू गैस चलाए, सम्राट जी महिलाओं नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीजेपी का विधानसभा मार्च और राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस के द्वारा जिस तरीके से बल का प्रयोग कर पीछे खदेड़ने की कोशिश की गई, उसमें कई जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग घायल हुए हैं। और अभी भी यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, वो यहां पर बैठे हुए हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सम्राट चौधरी जो हैं और बीजेपी के कई नेता यहाँ पर बैठे आपको नजर आएंगे। यहाँ पर नारेबाजी भी खूब हो रही है, पुलिस की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है, आगे नहीं बढ़ने देना है, ये तमाम बातें जो हैं वो पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया है। लेकिन तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, खासकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि आखिरकार लाठीचार्ज क्यों किया गया। गोली मारना है नीतीश को, मारो, गोली चलाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार की जनता के लिए गोली भी खाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। गोली की सरकार, गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, आतंकवादी कैसा व्यवहार किए हैं, किसी हालत में भी ये नहीं होगा, गोली चलाए, आंसू गैस चलाए, सम्राट जी महिलाओं का सब देर तक चलेगा, आतंकवादी कैसा व्यवहार किया गया। यहाँ पर साफ कहना है उनका कि उठेंगे नहीं जब तक कि आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। विधानसभा मार्च के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, समर्थक, बड़े नेता गांधी मैदान से पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़े, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद आपको नजर आएगी, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा डाक बंगला चौराहा यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है, यहाँ पर रोक दिया गया है, खूब लाठियाँ चढ़ी हैं, कई कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, सांसद के, विधायक के सर फूट गए हैं एम्बुलेंस से, अभी कई नेता कार्यकर्ता अस्पताल लेके गया हुए हैं उन्हें। और ऐसे में यहाँ पर अभी भी जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें यहाँ से हटाने को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है, उन्हें हटने को कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी वो लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो माहौल है वो ये सब कुछ बता रहा है कि किस प्रकार से बीजेपी आज यहां पर अपने तमाम समर्थकों के साथ एक बड़ी हुजूम, बड़ी भीड़ के साथ यहां उतरी थी, लेकिन पुलिस भी पहले से तैयार थी। जितने आंसू गैस के गोले चलाए गए, जिस प्रकार का यहां माहौल बना दिया गया, जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, बलपूर्वक खदेड़ा गया, कई नेताओं को चोट लगी, कई कार्यकर्ता बेहोश हो गए, और किस तरीके से लाठी चार्ज किया गया है उसका भी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी भी यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बीजेपी के कई नेता इस चौराहे पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हैं, आगे बढ़ने की जिद अभी भी उनकी जारी है। पूछ रहे हैं कि लाठी चार्ज क्यों किया गया जबकि ये मार्च शांतिपूर्वक था। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।